नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों का दौर शुरू करते हैं और इसी बीच रुख करते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से। पंचायत चुनाव पर एससी का सुनवाई से इनकार। तो देखिए, बड़ी जानकारी दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट ने गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में डाली। चुनाव संविधान के खिलाफ है या नहीं, ईसी करे फैसला, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। पंचायत चुनाव में आरक्षण के रोटेशन का मामला, इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट का कहना है चुनाव संविधान के खिलाफ है या नहीं, ये ईसी का फैसला। इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से, बड़ी खबर। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने गेंद निर्वाचन विभाग के पाले में डाली। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी, पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। निर्वाचन आयोग के पाले में सुप्रीम कोर्ट ने गेंद डाल दी है। चुनाव संविधान के खिलाफ है या नहीं, ईसी करे फैसला, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है दिल्ली से। पंचायत चुनाव में आरक्षण के रोटेशन का मामला, चुनाव संविधान के खिलाफ है या नहीं, ईसी इसका फैसला करे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुनवाई से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने, पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। निर्वाचन आयोग के पाले में सुप्रीम कोर्ट ने गेंद यहां पर डाल दी है। चुनाव संविधान के खिलाफ है या नहीं, इसका फैसला ईसी करे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। पंचायत चुनाव के आरक्षण के रोटेशन का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से, दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है सुनवाई से। सुप्रीम कोर्ट ने गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव संविधान के खिलाफ है या नहीं, इसका फैसला ईसी करे। पंचायत चुनाव में आरक्षण के रोटेशन का यह मामला, इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है पंचायत चुनाव पर। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी सामने, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। भोपाल से हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया और साफ तौर पर यह कह दिया है कि ईसी इसका फैसला करे। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल आयुषी, देखिए बड़ा अपडेट आया है ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि वो संविधान के अनुरूप ही चुनाव कराएं। हालांकि ये जो चुनाव हो रहे हैं, जिस पर आरक्षण को रोटेशन को लेकर जो मामला अटका हुआ है, वो संवैधानिक है या नहीं है, संवैधानिक गैर संवैधानिक, कांग्रेस इसे करार देकर याचिका दायर की थी, लेकिन ये संवैधानिक है या संविधान के खिलाफ है, इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग इस पर अपने स्वयं विवेक से ये फैसला ले, ये देखे कि संविधान के खिलाफ जो आरक्षण दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, या फिर संविधान के अनुसार ही आरक्षण दिए गए हैं। आयुषी, कुल मिलाकर मामला जो है ग्राम पंचायत चुनावों के जो आरक्षण व्यवस्था है उसके रोटेशन को लेकर है, क्योंकि शिवराज सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने रोटेशन को लागू नहीं किया था। 2014 के चुनाव अनुसार आरक्षण जो थे वही रिपीट किए गए थे, चेंज नहीं किए गए थे, और जो 2019 में कमलनाथ की सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो नए आरक्षण किए थे, उसको रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही परिसीमन भी रद्द कर दिए गए थे और जो कांग्रेस थी उसने इसे गैर संवैधानिक करार देते हुए ये याचिका दायर की थी, जिसमें अब हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है अब पूरा निर्णय इस बारे में जो है वो राज्य का निर्वाचन आयोग करेगा। जी ब्रजेश, देखिए ऐसे में अब आगे क्या होता है, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो सबसे बड़ा जुडिशरी सिस्टम यहाँ पर जो है, सबसे उच्च पद पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। अगर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी सुनवाई करने से मना कर दिया है, ईसी के ऊपर यहाँ पर बात डाल दी गई है, तो क्या अब वापस सुनवाई की याचिका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने डाली जा सकती है, या फिर अब इसका फैसला ईसी को ही लेना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए ये रिव्यू पिटीशन थी, पहले ही सुप्रीम कोर्ट जो था वो इस याचिका को हाई कोर्ट के पाले में डाल चुका था। पिछले 12 दिनों की हम बात करें
तो 12 दिन पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट बेंच में यह था जो दायर की गई थी याचिका। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सैयद जाफर जो कांग्रेस नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका से 3 दिन पहले इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि और भी अन्य याचिका हाईकोर्ट के पाले में है, उन पर सुनवाई चल रही है, इसीलिए इस याचिका को भी क्लब करके जो हाईकोर्ट है जबलपुर का वो सुनवाई करे। लेकिन इसके पहले ही हाईकोर्ट में विंटर वेकेशन शुरू हो गए और अगली डेट 3 जनवरी की दी गई थी, जिसके बाद एक रिव्यू पिटीशन फिर से सुप्रीम कोर्ट में कल दायर की गई थी और यह कहा गया था चूंकि हाईकोर्ट की शीतकालीन छुट्टियां शुरू हो गई हैं, 3 तारीख को डेट मिली है और 6 को इलेक्शन होना है, वोटिंग होना है पहले चरण की, तो सुप्रीम कोर्ट प्रायोरिटी बेस पर इसकी सुनवाई करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह कहा है कि जो आरक्षण में रोटेशन का मामला है उस पर जो है निर्वाचन आयोग राज्य का जो है वो फैसला कर सकता है और निर्वाचन आयोग से कहा है कि वो ये देखे कि कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग जो है आयुषी पहले इस मामले में अपना डिसीजन दे चुका है, अपना पूरा शेड्यूल जारी कर चुका है, चुनाव का कार्यक्रम जारी कर चुका है, पहले दूसरे चरण के फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो चुकी है और 6 जनवरी को वोटिंग है। तो अब लगता नहीं है कि कांग्रेस की याचिका पर कोई सुनवाई होगी, क्योंकि अब चुनाव की जो प्रक्रिया है वो मध्य प्रदेश में पहले से ही जारी है। जी बिल्कुल ब्रजेश, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। इसी बीच